हेलो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एमओटी। एमओटी मींस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। यहाँ पे जो भी बातें होंगी वो मॉलिक्यूल से रिलेटेड होंगी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। चलिए मैं आपको वीबीटी की बता देता हूँ। वीबीटी में हमारा क्या था, एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी, एओटी आप उसको बोल सकते हैं। वहाँ पे एटम अपनी आइडेंटिटी नहीं खोता है, अपनी आइडेंटिटी रिटेन करता है। बट इन केस ऑफ एमओटी, एटम अपनी आइडेंटिटी खो देता है और वो एक मॉलिक्यूल की आइडेंटिटी ले लेता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे कि आपने एग देखा होगा, यहाँ पे ये आपका येलो पार्ट योक, बाहर आपका वाइट पार्ट। तो आपने दो एग ले लिए हैं, ओके? ये दोनों ओवरलैप हुए और ओवरलैप होने के बाद कुछ ऐसा हुआ, ओके? अब आप देखिए, ये भी एक एटम है, ये भी एक एटम है। यहां पे इनकी आइडेंटिटी, एटम ने अपनी आइडेंटिटी बना के रखी, एटम ने अपनी आइडेंटिटी को नहीं खोया। बट अगर हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए, उसमें क्या होगा, जैसे ये भी एक एग हमने लिया, ये भी एक हमारा एग है, एग्जाम्पल से हम कवर कर रहे हैं। यहाँ पे ये दोनों, इनका जो ये येलो पार्ट है, ये भी मिक्सअप हो चुका होगा और एक न्यू आइडेंटिटी ये बना लेंगे। यहाँ पे कुछ इस टाइप की आइडेंटिटी, ये आपको कोई एटम नज़र नहीं आ रहा, ये मॉलिक्यूल नज़र आ रहा है आपको, ओके? तो ये जो यहाँ पे थ्योरी हम डिस्कस करने वाले हैं वो मॉलिक्यूल की करने वाले हैं, ओके? यहाँ पे जो भी बातें होंगी वो मॉलिक्यूल की होंगी। मॉलिक्यूल कैसे बना है, अब बॉन्ड बना भी है या नहीं बना है, बना है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है, वो सभी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ कुछ आइडियाज़ जो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को समझने में हमारी हेल्प करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने लिखा बेसिक आइडियाज़ बिहाइंड लीनियर कॉम्बिनेशन। यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन हो रहा है वो लीनियर हो रहा है, इसका मतलब क्या, वो अभी हम क्लियर करते हैं। देखिए हमने यहाँ पे क्या माना है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, जैसे कि हमने अभी यहाँ पे ये बताया, ये हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल है, हमने इनको वेव की फॉर्म में माना है। मीन्स यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल को हमने वेव माना है। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। ये एक इलेक्ट्रॉन वेव है और ये भी एक इलेक्ट्रॉन वेव है। अब दोनों इलेक्ट्रॉन वेव का होगा इंटरफेरेंस। चलिए नेक्स्ट है लीनियर कॉम्बिनेशन। जो मैंने आपको बताया लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब है इंटरफेरेंस, उनको हम मिक्सअप करेंगे। अब इंटरफेरेंस कैसी होगी, अब हमें ये भी देखना होगा। यहाँ पे इंटरफेरेंस ऑफ वेव, ये जो वेव है इसकी आपको इंटरफेरेंस देखनी है। अब हमने इसको डिवाइड किया टू टाइप में, वो कैसे कैसे है वो देखिए। फर्स्ट हमारा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सेकंड हमारा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब ये क्या है मैं वो बता देता हूँ। कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है बनना, डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है बिगड़ जाना, खत्म हो जाना। चलिए कैसे, अब मैं आपको ये क्लियर करता हूँ। देखिए मान लो आपके पास दो वेव हैं, सेम यहाँ पे वेव फंक्शन है, अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं देन फाइनली आपका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा। ये एडिटिव ओवरलैपिंग है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया। बट अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करेंगे तो इस केस में क्या होगा वो हमें समझना होगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में होता है सब्ट्रैक्शन, ओके? सब्ट्रैक्टिव ओवरलैपिंग इसको बोलते हैं। कैसे, मान लो एक हमारी ये वेव है और एक हमारी जो वेव है वो कुछ ऐसे है, ये हमारी वेव है। अगर हम ये माइनस करते हैं इसमें से देन फाइनली हमारा जो आने वाला है वो क्या आने वाला है, कुछ ऐसा, ओके? इसका मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई है, बॉन्ड नहीं बना। यहाँ पे इन्होंने एक दूसरे को क्या कर दिया है, कैंसल आउट कर दिया है। तो याद रहे सब्ट्रैक्टिव ओवरलैपिंग में बॉन्ड नहीं बनता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में बॉन्ड बनता है।
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को हम एडिटिव ओवरलैपिंग भी बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को हम सब्ट्रैक्टिव ओवरलैपिंग बोलते हैं। अब हमने ये थ्योरी कंप्लीट रिमूव करके हमने इनको बीएमओ समझेंगे हम आगे, हम इनकी बातें नहीं करेंगे। बीएमओ का मतलब क्या है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ओके। और एबीएमओ का मतलब यहां पे हम क्या समझेंगे? एंटी बॉन्डिंग, मींस ये उसका अपोजिट है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। याद रहे इन्हीं के बिहाव पे, बीएमओ के बिहाव पे और एबीएमओ के बिहाव पे हम बता पाएंगे बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा, और बॉन्ड एक बनेगा, दो बनेंगे, तीन बनेंगे, या फिर फ्रैक्शन में 1.5, 2.5, कितने बॉन्ड बनेंगे वो हम डिसाइड कर पाएंगे बीएमओ से और एबीएमओ से। तो आपको बीएमओ क्लियर होना चाहिए, इतना कुछ हम नहीं पढ़ने वाले हैं अब, हम केवल बीएमओ और एबीएमओ, क्योंकि बीएमओ और एबीएमओ को समझने के लिए हमने ये थ्योरी यहाँ पे एक्सप्लेन की है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड बनेगा, ABMO और BMO में सेम है बॉन्ड नहीं बनेगा। देखिए ये एक एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले हम हाइड्रोजन की, क्या हाइड्रोजन में बॉन्ड बनता है या नहीं बनता है। हमने एग्जांपल लिया H2, वैसे तो हमें पता है H2 के बीच में बॉन्ड बनता है, बट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कैसे एक्सप्लेन करती है वो सुनिए। और मैं फिर बता दूं, ये एक मॉलिक्यूल की थ्योरी है, एटम की थ्योरी नहीं है। यहाँ पे हमने एक हाइड्रोजन ली, यहाँ पे हमने एक हाइड्रोजन ली, ओके। हाइड्रोजन के पास आपको पता होगा एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, मींस यहाँ पे 1s1, यहाँ पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है 1s1। अब ये एटॉमिक ऑर्बिटल अपनी आइडेंटिटी का लॉस करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाते हैं, और याद रहे जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आएंगे। कैसे? एटॉमिक ऑर्बिटल 2 है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी 2 आएंगे। कैसे? एक हमारा यहाँ पे आने वाला है और एक हमारा ऊपर आने वाला है। ये एनर्जी है इधर, मीन्स एक की एनर्जी कम हो गई और एक की एनर्जी ज़्यादा हो गई। देखिए ये एनर्जी कम है जिसको हम बीएमओ बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड बनता है, और अगर बॉन्ड बनता है तो डेफिनेटली एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पे बीएमओ और यहाँ पे है एबीएमओ। अब आप वीबीटी क्लियर कर चुके हैं, एस एस के बीच में हमेशा सिग्मा बॉन्ड आएगा, तो इसको हम बोलेंगे सिग्मा 1s, क्योंकि 1s से बना है। इसको बोलेंगे सिग्मा स्टार, ABMO के लिए स्टार लगाया जाएगा 1s। अब देखिए अफबाउ प्रिंसिपल भी यहाँ पे फॉलो होगा, हंट्स भी यहाँ पे फॉलो होगा, ये सभी रूल यहाँ पे फॉलो होंगे। देखिए तो पहले हम किसको? लोअर एनर्जी को फिल करेंगे, 1, 2 हमने यहाँ पे फिल कर दिए। अब बचे हुए ऊपर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन तो बचे ही नहीं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन केवल BMO में है, मीन्स बॉन्ड बनेगा। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, मैंने बी और ए से डिनोट किया है इसको, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी आप बोल सकते हैं। देन यहां पर देखिए हाफ बॉन्डिंग में 2 है, एंटी बॉन्डिंग में 0 है, कट किया, बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया। ओके, हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 1 ही होता है। चलिए मैं आपको आगे लेके चलता हूं और कुछ चीजें मैं और क्लियर करता हूं। बात करते हैं हम बेरिलियम के लिए। बेरिलियम का नंबर 4 है, मींस 1s2, 2s2। अब क्या Be2 बनता है या नहीं बनता, क्या ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, और करता है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, ये हम MOT से क्लियर करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने लिया 1s, ओके, दो बेरिलियम है हमारे, एक बेरिलियम एटम यहाँ पे लिया है, एक बेरिलियम एटम यहाँ पे लिया है। अब 1s के अंदर 2, 1s के अंदर 2, मीन्स
बेरिलियम की कॉन्फिगरेशन तो आपको पता ही है, इस बेरिलियम के अंदर भी 1s2 है और इसके अंदर भी 1s2 है। अब एक बनेगा आपका नीचे, एक बनेगा आपका ऊपर। ये हमारा सिग्मा 1s है जिसको हम BMO बोलते हैं, ये सिग्मा स्टार 1s है जिसको ABMO बोला जाता है। पहले हम इसको इलेक्ट्रॉन देंगे 2, क्या हमारे पास बच गए? हाँ जी, 2, 2, 4, अभी 2 बचे हुए हैं, ऊपर चले गए। चलिए अब ये आपको समझ में आ गया होगा, नीचे हमारा BMO है, ऊपर हमारा ABMO है। अब आगे की कहानी सुनिए, हमारे पास तो 2s भी है, चलिए अब 2s की बात कर लेते हैं। 2s में भी 2, 2 है, ओके। अब 2 बेरिलियम है तो इसके पास भी 2s2, इसके पास भी 2s2। अब यहां पे भी पहले क्या बनेगा? सिग्मा 2s, क्योंकि SS तो सिग्मा ही बनाएगा, चाहे वो 1 का है चाहे वो 2 का है, सिग्मा 2s, और एक आपका क्या आएगा? सिग्मा स्टार 2s। यहां पे भी 2, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब मैंने ये भी बताया था, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल है, 1, 2, 3, 4, 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो ये भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो दूसरी बात, ये बॉन्डिंग है और ये एंटी बॉन्डिंग है। चलिए अब बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये वाले बॉन्डिंग है 2, ये वाले बॉन्डिंग है 2, ओके। याद रहे ये इसका BMO है 2s का, ये इसका ABMO है, सबका अपना BMO होता है, सबका अपना ABMO होता है। 2, 2, 4 माइनस, आगे चलते हैं, 2, 2, 4 देन हमारा बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया है, मीन्स यहां पे बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं C2 के लिए, अब हम P को भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। देखिए P में क्या होगा, कार्बन की बात कर लेते हैं, क्या C2 एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? करेगा तो उसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? कार्बन, कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2, 2s2, 2p2, याद रहे आपको। कार्बन के 2 एटम हमने लिए, स्टार्ट हमें 1s से ही करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है आप सीधा ही 2p से स्टार्ट करेंगे, 1s से हमें स्टार्ट करना होगा। ये 1s है, ये 1s है, फिर हमें 2s, ऐसा मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि एनर्जी नीचे लोअर होती है ऊपर हायर होती है, ये हमारा 2s, ओके। और अब हमारा p आया, p में हमारे होते हैं 3 ऑर्बिटल्स। अब 2 कार्बन है, ये कार्बन सेकंड का, ये कार्बन फर्स्ट का। अब देखिए इसमें 2, नेक्स्ट जो कार्बन है इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इसके भी 2, यहां पे भी 2, यहां पे 1, 2, 1, 2। अब देखिए यहां पे आपको एक रूल याद रखना है, रूल क्या है, अगर आपके इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से कम है तो आपको हमेशा यहां पे नीचे पहले आपको पाई बनाना पड़ेगा, ओके। वैसे वो ये वो थ्योरी नहीं है कि पहले पाई बनेगा, नहीं, ये बता रहा है कि पहले पाई को फिल करेंगे, बॉन्ड पहले सिग्मा ही बनता है, बट यहां पे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है वो कुछ ऐसे है कि आपको यहां पे पाई बनाना पड़ेगा पहले, और उसके बाद आपको यहां पे सिग्मा बनाना पड़ेगा। देखिए यहां पे हम मान लेते हैं आपका क्या क्या होता है, PX, PY, PZ, यहां पे हो जाएगा πx, πy, और ये क्या हो जाएगा, σ2pz, z के साथ हमने क्या बना दिया, सिग्मा बॉन्ड, बट सिग्मा बॉन्ड को ऊपर बनाना है, एनर्जी लेवल ऊपर रखना है। और यहां पे हम हमेशा रूल कोई फॉलो नहीं करते हैं, यहां पे ऊपर हमेशा पाई पहले आएगा और यहां पे क्या लग जाएगा, स्टार, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, ओके। और ऊपर क्या आएगा, सिग्मा, सिग्मा स्टार 2pz। अब हम इलेक्ट्रॉन को फिल कर लेते हैं, 2, 2, 4 है, फिल कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2, 2, 4 है, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है। तो देखिए पहले हम इसको एक देंगे, फिर हम इसको एक देंगे,
हंट्स के अकॉर्डिंग पहले वन वन दिया जाएगा, उसके बाद हम यहाँ पे पेयरिंग करेंगे। हमने यहाँ पे पेयरिंग करना स्टार्ट कर दिया। अब हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। हाफ बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है, और ये नीचे वाले बॉन्डिंग है। याद रहे यहां से जो नीचे होते हैं इनसे वो बॉन्डिंग होते हैं, टू टू फोर और फोर एट माइनस एंटी बॉन्डिंग। जो इसके ऊपर है ये एंटी बॉन्डिंग, जो इसके ऊपर है वो एंटी बॉन्डिंग, जो यहां पे ऊपर है वो एंटी बॉन्डिंग। टू टू फोर, एट माइनस फोर फोर कट किया, देन हमारा जो बॉन्ड ऑर्डर है वो टू आ गया है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और एक चीज मैं आपको यहां पे और बता देता हूं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी ये एक्सप्लेन करता है। कैसे? अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। देखिए यहाँ पे पेयर्ड हैं, पेयर्ड हैं, पेयर्ड हैं, ये भी पेयर्ड है, सभी पेयर्ड हैं, मीन्स ये डायमैग्नेटिक है। डायमैग्नेटिक का मतलब जो वीकली रिपेल करे, पैरामैग्नेटिक का मतलब जो वीकली अट्रैक्ट करे, और अट्रैक्शन तब होगा तब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर नहीं आ रहे हैं, देन हम यहाँ पे नहीं लेंगे। चलिए देन इसके बाद हम देखते हैं 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन। अब 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करते हैं तो हम एग्जांपल ले लेते हैं O2, जहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 16, ओके टोटल यहाँ पे, क्योंकि एक ऑक्सीजन के पास 8 होते हैं, 1s2, 2s2, 2p4। सिंगल ऑक्सीजन के पास 8 हैं तो दो ऑक्सीजन के पास कितने हो जाएंगे, 16। चलिए अब ग्राफ यहाँ पे भी हमारा सेम होगा, 1s 1s, मैं बार बार इसलिए बना रहा हूं आपको समझ आ जाए, 1s 1s, ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। उसके बाद 2s, ये वाला, यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है। एस में केवल सिग्मा ही बनता है, इसीलिए हम सिंगल सिंगल यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं। पी में सिग्मा भी बनता है, पाई भी बनता है। ओके, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे हमने यहाँ पे ले लिया है पी। अब यहाँ पे है 4 इलेक्ट्रॉन। अब अगर 14 से ज्यादा है, सॉरी आप बोलेंगे 15 या 15 से ज़्यादा हैं, ठीक है 15 हो या 15 से ज़्यादा है, देन हम ये रूल फॉलो करेंगे। पहले हमारा यहाँ पे बनाएंगे सिग्मा, इस पॉइंट को आपको ज़रूर याद रखना है, और बाद में हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे पाई। ये बहुत बड़ा रोल रखता है अपने आप में। ऊपर सेम, ऊपर कोई रूल नहीं है। ओके, अब आपको क्लियर होना चाहिए, अगर 14 या 14 से नीचे है तो पाई वाला पार्ट नीचे, सिग्मा वाला पार्ट ऊपर, केवल यही चेंज आपको याद रखना है। मीन्स यहाँ पे सिग्मा 2pz हो गया है, ये पाई 2px, पाई 2py, यहाँ पे पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और यहाँ पे है हमारा सिग्मा, सिग्मा स्टार 2pz। ये 15 या 15 से आगे के लिए है हमारा। अब फिलिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे पहले इसको फिल करेंगे अच्छे से, 2, टोटल 8 है, 2 हो गए, 3 4 5 6, 2 बच गए हैं। एक यहाँ पे, नेक्स्ट यहाँ पे नहीं देंगे हम, क्योंकि हंट्स रूल के अकॉर्डिंग हमें अनपेयर्ड करना पड़ेगा, एक हमने आगे ले लिया है। चलिए अब बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर हमारा कैसे आएगा, बॉन्डिंग 2 4 6 10, एंटी बॉन्डिंग इससे ऊपर 2, इससे ऊपर 2 4, और इससे ऊपर 6, 10 माइनस 6 4, 4 को कट किया, हमारा 2 आ गया, और हमें पता ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर 2 ही होता है। अब हमसे पूछा जाएगा कि जो O2 है वो डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, हमारा आंसर आएगा ये पैरामैग्नेटिक है। क्यों? क्योंकि यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब अगर मैं O2 माइनस की बात करूं, O2 हमारा पैरामैग्नेटिक है, O2 माइनस मींस एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया है, सॉरी
ओके आगे चलते हैं हम यहाँ पे O2 नेगेटिव में हमने एक इलेक्ट्रॉन O ऐड कर दिया है, अभी भी हमारे पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दैट्स वाई ये पैरामैग्नेटिक है। बट अगर हम O2 नेगेटिव की बात करते हैं, O2 नेगेटिव नेगेटिव, फिर हम बोलेंगे ये डायमैग्नेटिक है क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए हैं। ओके ये दोनों पैरा हैं, ये डायमैग्नेटिक है। और सेम यही फंडा अगर हम बात करते हैं O2 पॉजिटिव, मीन्स हमने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दिया, अभी भी हमारे पास एक अनपेयर्ड बचा हुआ है, ये भी क्या है हमारा पैरामैग्नेटिक है। O2 पॉजिटिव पॉजिटिव मीन्स अब आपके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, देन ये आपका डायमैग्नेटिक है। आप इजीली याद रख सकते हैं, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव है टू, नेगेटिव है टू, डाया होगा, अदरवाइज पैरा होगा। अब हम बॉन्ड ऑर्डर भी देख लेते हैं। O2 का बॉन्ड ऑर्डर हमारा आया टू। अब O2 नेगेटिव मीन्स यहां पे हमारा एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड हो गया था एंटी बॉन्डिंग में यहां पे, देन यहां पे कितने हो जाएंगे सेवन, बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आ जाएगा। अगर हमने एक और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया देन क्या हो जाएगा यहां पे एट, बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा। O2 पॉजिटिव, O2 पॉजिटिव में क्या रहेगा, हमारे यहां पे टू थे, एक हमने निकाल दिया, मींस एंटी बॉन्डिंग से एक हमारा चला गया, मींस यहां पे अब कितने रह गए हैं 5, देन बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा 2.5। और अगर हम O2 पॉजिटिव पॉजिटिव की बात करते हैं तो ये भी चला गया है, अब एंटी बॉन्डिंग में 2 O2 ओनली 4 है, मींस यहां पे 4 हो जाएगा, 10 - 4 = 6 डिवाइडेड बाय 2, यहां पे 3, मींस यहां पे हमारा जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 3 आ गया है। अब हमसे स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछता है, देन हम बोलेंगे ये हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर और स्टेबिलिटी बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड स्ट्रेंथ दोनों ही क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बॉन्ड ऑर्डर अगर ज्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा है, क्योंकि आपको ज्यादा बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। अब हम बात करते हैं अगर ऐसा हो जाए N2 नेगेटिव नेगेटिव मीन्स टोटल इलेक्ट्रॉन यहां पे कितने हो गए हैं 16। अब ग्राफ ये बनेगा या फिर पहले वाला बनेगा, मींस 14 के अकॉर्डिंग बनाएं या फिर 14 से ज्यादा के लिए बनाएं, ये हमें नोट करना है। ओके वेट, ओके कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि आपसे पूछा गया N2 पॉजिटिव पॉजिटिव के लिए, जहां पे इलेक्ट्रॉन तो यहां पे कम हो गए, N2 नेगेटिव नेगेटिव की बात करते हैं। N2 नेगेटिव नेगेटिव मीन्स टोटल इलेक्ट्रॉन 16 हो गए हैं। अब हमारा यहाँ पे जो P है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसीलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ पे पहले पाई बनेगा या फिर सिग्मा बनेगा, मीन्स रूल 14 वाला लगेगा या 14 से आगे वाला लगेगा। देखिए इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं बाद में, ग्राफ तो हमारा बन चुका होगा, एनर्जी डायग्राम बन चुका होगा। ओके इलेक्ट्रॉन तो आपने बाद में ऐड करवाया ना, ऐसा थोड़ी ना हुआ है कि इलेक्ट्रॉन ऐड होने के बाद आपने ग्राफ बनाया, अरे वो तो बन चुका था देन आपने इलेक्ट्रॉन को ऐड किया है, तो ग्राफ 14 के अकॉर्डिंग आएगा, मींस जो 14 रखता है, जिसका ओरिजिन 14 है, ओरिजिनल के अकॉर्डिंग आपको देखना है। अब जैसे हम बात कर लेते हैं O2 16 है, बट हम O2 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव की बात करते हैं, जहां पे दो इलेक्ट्रॉन दे चुका है, तो यहां पे कितने हुए 14, ग्राफ 14 के अकॉर्डिंग बनाए या 16 के अकॉर्डिंग, देन ग्राफ बनेगा 16 के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो ओरिजिनल है उसी के अकॉर्डिंग हम ग्राफ यहां पे प्लॉट करते हैं। एक प्रॉब्लम यहां से आती है जो आपको करनी है। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपसे कभी कभार पूछ ली जाती है, सेम बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा तब आप क्या करेंगे, जैसे N2 N2 पॉजिटिव N2 पॉजिटिव पॉजिटिव, यहां पे N2 नेगेटिव N2 नेगेटिव नेगेटिव। अब यहां पे नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर अगर आप देखेंगे तो 3 है, यहां पे 2.5 है और यहां पे भी 2.5 है। आपसे पूछा जाएगा इनकी स्टेबिलिटी क्या है, कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि सेम है क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर सेम है, ऐसा नहीं है। देखिए आप कैसे इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे,
यहां पे आपने 1s1s लिया, 1s2 1s2, यहां पे आपने 2s2 2s2 लिया। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, N2 की बात चल रही है और नाइट्रोजन होता है 1s2 2s2 2p3। हम दो नाइट्रोजन एटम की बात कर रहे हैं। अब हमने 2p लिया नाइट्रोजन का, पहले पाई बनेगा जैसा कि आपको बताया गया है, फिर सिग्मा बनेगा। ऊपर हमेशा पाई स्टार बनता है पहले, फिर सिग्मा बनता है। सिग्मा स्टार 2pz, यहाँ पे पाई 2px है, पाई 2py है, सिग्मा 2pz है। यहाँ पे पाई स्टार हो जाएगा 2px, पाई स्टार 2py, मीन्स यहाँ पे जो है वहाँ पे भी वही है, सिर्फ स्टार लगा देंगे। यहाँ पे ओनली सिग्मा, क्योंकि ऐसे सिग्मा ही बनाता है, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा स्टार, सॉरी स्टार नहीं आएगा, सिग्मा 2s, यहाँ पे सिग्मा स्टार 1s, नीचे आएगा सिग्मा 1s। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे देन आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ग्राफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे सिग्मा 1s, सिग्मा 2s, फिर यहाँ पे 14 या 14 से नीचे हैं तो पाई, फिर सिग्मा, और ऊपर हमारा सेम है। अब देखिए यहाँ पे 2 है, फुल हो गया है ये, यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। यहाँ पे 1 2 3 1 2 3, अब यहाँ पे पहले 1 2 3 4, ओके। अब हमारे पास बचे 2 इलेक्ट्रॉन, हमने यहाँ पे फिल कर दिए, ओके। अब देखिए अगर हम बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे नाइट्रोजन के लिए, हाफ बॉन्डिंग 2 2 4 6 10, माइनस एंटी बॉन्डिंग 2 2 4, 10 माइनस 4 6 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 3 आ गया है। अब अगर हम बात करते हैं N2 पॉजिटिव के लिए, N2 पॉजिटिव मीन्स एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, मीन्स बॉन्डिंग में कम हो गया है, यहां पे हो गए 9 माइनस 4 5 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 2.5, मीन्स यहां पे बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आया है, ओके। अब मैं बात कर रहा हूं N2 नेगेटिव की, तो N2 तो पहले बनाना पड़ेगा, ये N2 का स्ट्रक्चर है। अब N2 नेगेटिव है मींस एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, अब वो कहां पे ऐड होगा, यहां पे। अब देखिए बॉन्ड ऑर्डर हाफ, बॉन्डिंग 2 4 और ये 6 10, माइनस एंटी बॉन्डिंग 2 4 और एक ये वाला 5, 10 माइनस 5 5 डिवाइडेड बाय 2 2.5, मीन्स यहाँ पे भी बॉन्ड ऑर्डर 2.5 ही आया है। अब बात यह है स्टेबल कौन है, अगर बॉन्ड ऑर्डर के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो सेम स्ट्रेंथ है, बट ये देखिए अगर N2 माइनस की अगर हम बात करते हैं तो हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, एंटी बॉन्डिंग में, और एंटी बॉन्डिंग अपोज करता है बॉन्ड का, मीन्स बॉन्ड बनना नहीं चाहिए, तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन है मीन्स स्टेबिलिटी नहीं है। BMO में इलेक्ट्रॉन है स्टेबल है, ABMO में है अनस्टेबल है, एनर्जी के अकॉर्डिंग भी बता सकते हो, क्योंकि एनर्जी ABMO की ज़्यादा होती है और BMO की कम होती है। यहाँ पे 2.5 है बट इसका इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में है इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी कम है। N2 में सभी इलेक्ट्रॉन किस में है, यहाँ पे BMO में है, मीन्स इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो N2 पॉजिटिव, N2 नेगेटिव, बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, बट स्टेबिलिटी यहाँ पे N2 की ज़्यादा है ड्यू टू BMO इलेक्ट्रॉन, और N2 की कम है ड्यू टू ABMO इलेक्ट्रॉन, ओके। आई होप आपको ये थ्योरी समझ में आ गई होगी, ओके। Thank you.